स्वामी विवेकानंद की वाणी। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुखी और कंगाल प्राणी ही हमारी मुक्ति के माध्यम है, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, पापी आदि स्वरूपों में विचरित करते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। मेरे शब्द बड़े गंभीर हैं और मैं उन्हें फिर दोहराता हूं कि हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान भगवान की सेवा कर सकें। लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र उद्धार के संदेश, सेवा के संदेश, सामाजिक उत्थान के संदेश और समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। चाहिए वैराग्य। तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए संसार का त्याग किया था। वर्तमान समय में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिन्होंने अपनी ही मुक्ति के लिए संसार का त्याग किया है। तुम सब कुछ दूर फेंको, यहां तक कि अपनी मुक्ति का विचार भी दूर रखो। जाओ और दूसरों की सहायता करो। हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ रहे हैं, और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी ही पूजा नहीं करते। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देव देवियों की पूजा करने योग्य हो सकेंगे। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इसकी इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस देश में आध्यात्मिकता का झंडा कितना ही ऊंचा क्यों न किया जाए, वह पर्याप्त नहीं होगा। केवल इसी में भारत का उद्धार है। जो मनुष्य जाति की सहायता करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे अपना सुख और दुख, नाम और यश एवं सब प्रकार के स्वार्थों की एक पोटली बनाकर समुद्र में फेंक दें और तब ईश्वर के समीप आएं। सभी गुरुजनों ने यही कहा और किया है। यदि भलाई चाहते हो तो घंटा आदि को गंगा जी में सौंपकर साक्षात भगवान नारायण की, विराट और स्वराट की, मानव देहधारी प्रत्येक मनुष्य की पूजा में तत्पर हो। करुणा जन्य परोपकार उत्तम है, परंतु शिव ज्ञान से सर्व जीव की सेवा उससे भी श्रेष्ठ है। धीरता और दृढ़ता के साथ चुपचाप काम करना होगा। समाचार पत्रों के जरिए हल्ला मचाने से काम न होगा। सर्वदा याद रखना, नाम यश कमाना अपना उद्देश्य नहीं है। जहां पर महामारी हुई हो, वहां पर जीवों को दुख ही दुख है। जहां दुर्भिक्ष पड़ा हुआ हो, चले जाओ उस ओर। अधिक से अधिक क्या होगा, मर ही तो जाओगे। मेरे तुम्हारे जैसे न जाने कितने कीड़े पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इससे दुनिया को क्या हानि लाभ। एक महान उद्देश्य लेकर मर जाओ। मरना तो है ही, पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है। इस भाव का घर घर में प्रचार करो। अपना और देश का कल्याण होगा। तुम ही लोग देश की आशा हो। तुम्हें कर्म विहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जाओ काम में, लग जाओ, विलंब न करो। मृत्यु तो दिनों दिन निकट आ रही है। बाद में करूंगा कहकर अधिक बैठे न रहो। यदि बैठे रहोगे तो फिर तुमसे कुछ भी न हो सकेगा। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भी भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। गरीबी के इन विचारों को छोड़ो। किस दृष्टि से तुम गरीब हो? क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि सोने के लिए मुलायम गद्दे नहीं हैं और बुलाते ही हाजिर होने वाले नौकर चाकर नहीं है? उससे क्या होता है? तुम नहीं जानते, यदि तुम रात दिन दूसरों की सेवा में अपना खून पसीना एक कर दो तो जीवन में तुम्हारे लिए असंभव और असाध्य कुछ भी नहीं रहेगा। मृत्यु पर्यंत काम करो।
मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं न रहूंगा तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। यह जीवन आता और जाता है। नाम, यश, भोग, यह सब थोड़े ही दिनों के हैं। संसारी कीड़े की तरह मरने से अच्छा है कर्तव्य क्षेत्र में सत्य का उपदेश देते हुए मरना। आगे बढ़ो, ईर्ष्या तथा अहम भाव को दूर कर दो, संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। हमारे देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। युवकों में गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पित करता हूं। जाओ, इसी क्षण जाओ उस पार्थ सारथी के मंदिर में जो गोकुल के दीनहीन ग्वालों के सखा थे, जो गुहक चांडाल को भी गले लगाने में नहीं हिचके, जिन्होंने अपने बुद्धावतार काल में अमीरों का निमंत्रण अस्वीकार कर एक वारांगना के भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया और उसे उबारा। जाओ उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सामने एक महाबलि दो, अपने समस्त जीवन की बलि दो उन दीनहीनों और उत्पीड़ितों के लिए जिनके लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं। हे भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है, हमारे कार्यों पर ही भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, वह तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है, वह केवल सो रही है, उसे जगाइए और पहले की अपेक्षा और भी गौरवमंडित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्तिभाव से उसे उसके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। समस्त उपासनाओं का यही धर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे तथा दूसरों के प्रति सदैव भला करे। वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल और रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है वही सचमुच शिव की उपासना करता है। परंतु यदि वह केवल उन्हें मूर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितांत प्रारंभिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने एक निर्धन मनुष्य की सेवा शुश्रूषा बिना जाति पाति अथवा ऊंच नीच के भेदभाव के यह विचार कर की है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान है, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा जो कि उन्हें केवल मंदिर में देखता है अधिक प्रसन्न होंगे। अपनी पूजा के समय परमात्मा के पितृ भावों को स्वीकार कर लेने से ही क्या लाभ, जब तक हम दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई न मान सके। स्वामी विवेकानंद।